चीफ मिनिस्टर केसीआर मुसलमानों के दोस्त और हमदर्द है वजीर दाखिला महमूद अली। वजीर दाखिला महमूद अली ने आज इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मकतल का दौरा करते हुए बीआरएस उम्मीदवार जटम राम मोहन रेड्डी के मकान में मुनाकिदा इंतखाबी इजलास में मुसलमानों मुखातिब करते हुए कहा कि वजीर आला केसीआर मुसलमानों के दोस्त और हमदर्द है। बीआरएस के दौरे इख्तदार में कहीं पर भी फिरकावाराना फसादात नहीं हुए। तेलंगाना का माहौल गंगा तहजीब की मिसाल है। बीआरएस और मजलिस इतिहादुल मुस्लिमीन की गर्दन काटने पर भी बीजेपी का साथ नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी अवाम को गुमराह करने के लिए बीआरएस और मजलिस पर बीजेपी का साथ देने की अफवाह फैला रही है। केसीआर ने अखलितों के लिए तालीमी मैदान में तरक्की के गर्ज से 204 अखलीती अकामती स्कूल कायम किए और अकामती स्कूलों के लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने वाले तलबा को ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत अब तक 3,300 तलबा को मुस्तफीद किया गया। अखलितों की माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए अखलिती माइनॉरिटी बंधु के तहत इमदाद की गई अनकरीब अखलिती बजट 3,000 करोड़ किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तदार में हमेशा फसादात हुए। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के लिए संजीदा नहीं है। फिर कांग्रेस पार्टी इख्तदार में आती है तो फसादात होंगे। उन्होंने बीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। जाबिर बिन सईद को ऑर्डिनेंस मजलिस इतिहादुल मुस्लिमीन जिला महबूब नगर ने भी खिताब करते हुए कहा कि मजलिस पार्टी मकतल के बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार जटम राम मोहन रेड्डी की तायीद करती है। मुसलमानों से अपील की कि बीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाए। इम्तियाज इसहाक सदर नशीन अकलीती मालियाती कॉरपोरेशन और रुकने असम्बली मकतल जटम राम मोहन रेड्डी ने भी मुखातिब किया। इस मौके पर सदर मजलिस जिला नारायण पेट अब्दुल खादर मोहम्मद इस्माइल जिला जनरल सेक्रेटरी नारायण पेट मोहम्मद पाशा टाउन सदर उठकोर अब्दुल्ला अब्द मुनीर परदे मकबूल अहमद डॉक्टर लियाकत अली अहमद हजारी मोहम्मद जाहिद अली मोइन उद्दीन जमशीर अली अनवर हुसैन अहमद हजारी रियाज अब्दुल मन्नान सादिक सैयद मजहर के अलावा दीगर मौजूद थे। ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर भारी मजाज से आपके हरबू में से जब मिले को तीसरी बार असम्बल में भिजाइए। आपके दिल में जो इरादा है उसे कई लोगों ने कामयाब कर कहा कि साफ के लिए कुछ कर रहा है तो हमारे सीएम साहब जरूर करेंगे। मैं इन्हें बड़ी मजाज से जिलाकर असम्बली भिजाइए। ये चाहेंगे तो सीएम साहब बनेंगे और कोई अपने अपने एरिए में अपने अपने एमएलए को जिता कर भिजाइए। यही गुजारिश करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। आपका भाई हूँ, आपका खादिम हूँ। मैं आपसे दुआ गुजारिश करता हूँ, आपकी दुआ भी चाहिए, साथ में आपका वोट भी आले वगैरह साथ रखना चाहिए। बहुत अहम वोट, बहुत अहम होता है। वोट से ही किस्मत बदलते हैं, हुकूमतें बदलते हैं। वोट से ही आप अच्छी हुकूमत कायम कर सकते हैं। केसीआर साहब का तरह लीडर हिंदुस्तान में नहीं है। उन्हें बराबर चीफ मिनिस्टर किसी मरतबा भी आप बनाइए और आगे तरक्की की राय जिस तरह चल रही है उसी तरह चलते रहेंगी। मुझे जो वोट दिया गया है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम कामयाब को देख की कोई माफी भी चाहता हूँ, क्योंकि तीन बज रहे हैं, 1:30 बजे तक 2 बजे तक बंद करना चाहिए था। फिर एक बार यही कहता हूँ, कार के निशान को वोट देकर आले वेंकटेश रेड्डी साहब को भारी विजय से जिताइए। ये कहते हैं अपनी बात बताओ जय तेलंगाना जय। ऐसी कौन है 4 करोड़ मुसलमानों का बजट 1,782 करोड़ है। उसके बाद देखिए बिहार के अंदर 1,77,00,000 मुसलमान बसते हैं, वहां का बजट 700 करोड़ रुपए है। उसी तरह केरला के अंदर 92,16,000 मुसलमान 92,16,000 मुसलमान बसते हैं, वहां का बजट 575 करोड़ है। महाराष्ट्र के अंदर 1,40,00,000 मुसलमान बसते हैं, वहां का बजट 674 करोड़ है, 674 करोड़ है। झारखंड के अंदर 62,00,000 मुसलमान बसते हैं, उनका बजट 320 करोड़ है। तेलंगाना के अंदर 50,00,000 मुसलमान बसते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों मुस्लिम भाइयों, मेरे बातों में मत आइए। केसीआर महान और महात्मा लीडर है, वो आपकी तरक्की चाहते हैं। तेलंगाना में उनका बजट कितना है? 2,200 करोड़ रुपए का बजट है। आप बताइए कितना अच्छा बजट है। सीएम साहब ने ऐलान किया है, इसमें भी इजाफा किया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों से कहता हूँ,
हमें अच्छे लीडर की जरूरत है। हमेशा सीएम साहब एक नरम दिल इंसान है, हमें 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, हमें 6 इंच का दिल चाहिए, नरम दिल चाहिए जो केसीआर साहब का है। वो हमेशा तेलंगाना आवाम को अपनी औलाद की तरह प्यार करते हैं। हमारे अमिताज भाई और विनायक भाई ने बताया, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हमारे बच्चे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया पढ़ते हैं तो 20 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो मान दिखाने बोले। आज हमारे 3400 से ज्यादा बच्चे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में पढ़ चुके हैं। मैं ये बात बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, और बहुत अहम चीज है, वोट का इस्तेमाल सही करना चाहिए। आप जानते हैं दो मरतबा से आप मेरे छोटे भाई वेंकटेश साहब को जिताते हैं, मगर इस मरतबा बहुत बड़ी मेजाइट से जिताना चाहिए। बहुत से लोगों ने पिछले मरतबा इनके बड्डे पर आया था, बहुत से मुसलमान चीख रहे थे, आप भी जाकर चीख रहे थे, आने वाले टाइम वेंकटेश साहब को मिनिस्ट्री चाहिए। डेफिनेट आप भारी मेजाइट से जिताइए, बहुत नेक इंसान है, अच्छे इंसान है, इन्हें जिताइए। इन्होंने एक बात कह दिया, ये मिनिस्ट्री मेरी बात नहीं है, मुझे जिताइए। आज सीएम साहब के हाथ मजबूत कीजिए, आपको सीएम साहब को मजबूत करना है। मुसलमान सर्वे में आता है 98% मुसलमान केसीआर साहब को पसंद करते हैं, और पसंद करने से नहीं चलेगा, अगर केसीआर साहब को पसंद करते हैं तो आगे वेंकटेश साहब को बहुत बड़ी मेजाइट से जिताइए। जितना उन्हें मेजाइट से जिताएंगे उतना उनके हाथ मजबूत करेंगे, उतना हाथ केसीआर साहब के मजबूत होंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, क्योंकि 3 के करीब आ चुके हैं खाने का हमसे चुना लंच का, मैं एक बार आपको यही गुजारिश करने के लिए आपका भाई हूँ। अभी 1 मिनट में मैं बात खत्म करूंगा, 2 बात बताऊंगा। मुसलमान क्या चाहते हैं,